अक्सर कहा जाता है कि चावल खाना छोड़ दो पेट कम हो जाएगा, चावल खाना छोड़ दो वेट कम हो जाएगा, और होता भी यही है। लोग अपना वजन कम करने के लिए अपना पसंदीदा चावल को खाना छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर चावल को सही तरीके से खाया जाए, सही डाइट के साथ खाया जाए, तो इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। आपको बता दें कि चावल में कैलोरी और स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ने लगता है। लेकिन अगर चावल के साथ सही डाइट ली जाए तो इससे आपका वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि चावल के साथ किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। चावल खाने का सही तरीका, चावल किस तरह से खाया जाए, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि चावल किस तरह का खाना चाहिए जिससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा। सभी सफेद चावल एक ही तरह के नहीं होते हैं। आप अपने खान पान में बासमती या जैस्मिन राइस शामिल कर सकते हैं। छोटे चावल के मुकाबले इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले चावल खाने का आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है, और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले चावल खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और ओवर ईटिंग करने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। प्रोटीन के साथ खाएं। अगर चावल खा रहे हैं तो किसी प्रोटीन के साथ खाएं, जैसे दाल, मछली, टोफू या चिकन। प्रोटीन के साथ चावल खाने पर शरीर की कैलोरी जो है वो बर्न हो जाती है और इसे पचना भी आसान हो जाता है। इसे वजन कम होने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। चावल को सादा खाने की बजाय इसमें ढेर सारी सब्जियां डालकर या उसे पकाकर खाएं। चावल को सादा खाने की बजाय इसमें ढेर सारी सब्जियां डालकर या इसे पकाकर खाया जा सकता है। चावल में सब्जियां डालने पर इसे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं, जिनसे पाचन भी अच्छा रहता है और वजन भी घटने लगता है। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आप चावल को कितनी मात्रा में खा रहे हैं। पोर्शन कंट्रोल करने पर आप अपने मनपसंद चावल चैन से खा सकते हैं और आपको ये टेंशन नहीं होगी कि वजन बढ़ रहा है। एक बार में आधा कप चावल खाना काफी हो जाता है। चावल को पकाने का सही तरीका बताते हैं। चावल को वैसे तो कई तरीके से पकाया जाता है, लेकिन इन्हें पकाने के लिए समय का ध्यान रखें। आप किस चावल समय खा सकते हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चावल खाने का सही समय है, इसे दिन में दोपहर तक खा लेना चाहिए। इसे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे वो दिन भर की एनर्जी में काम करेंगे। रात में सोने से पहले चावल खाया जाए तो इससे शरीर में कैलोरी स्टोर होने लगती है, और जिससे आपका वजन जो है वो बढ़ने लगता है। चावल को सादा पकाने से अच्छा है कि उसमें सब्जियां डालकर इसे पकाया जाए। सब्जियों में फाइबर, विटामिन और खनिज होते हैं, और जो कि वजन बढ़ाने में सहायक नहीं होते हैं। इससे आपका वजन जो है वो नहीं बढ़ेगा और आपका पेट भी भर जाएगा। तो ऐसा करने से आपका वजन जो है वो नहीं बढ़ने वाला, इसलिए सब्जियां डालकर चावल को पकाना चाहिए।